इस वीडियो में आपको दर्शन करवाऊंगा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो मैं हूं अभी उज्जैन। जयकाल महाकाल, हर हर महादेव। इस वक्त मैं हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन और इस वीडियो में आपको मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाऊंगा। कल मॉर्निंग को हमारे दर्शन हो गए, मेरे दर्शन कल मॉर्निंग को हो गए। आज मेरा जो दोस्त है कार्तिक, जिसके साथ मैं आया हूँ, तो वो दर्शन के लिए गया है अंदर। मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो मेरे पास मोबाइल और कैमरा था तो मैं अंदर गया नहीं। वैसे मेरे कल दर्शन हो गए, थोड़े फुटेज मैंने कल वहाँ पर लिए हैं। तो मैं सोचा कि एक दो घंटे में महाकाल लोक घूम लेता हूँ और आपको थोड़ा सा यहाँ के फुटेज दिखा देता हूँ। तो महाकाल के जय घोष के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो बोलो हर हर महादेव। उज्जैन के लिए मुंबई से बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों आराम से आपको मिल जाएंगे। अगर आप फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो नज़दीकी एयरपोर्ट है इंदौर। हमने मुंबई सेंट्रल से रात के 9 बजे की ट्रेन बुक कर ली थी और इस ट्रेन ने हमें अगली सुबह 7:30 बजे उज्जैन जंक्शन पहुंचा दिया। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग करीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पे जाने के लिए आपको ऑटो आराम से मिल जाएंगे, जिसका चार्ज करीबन 20 रुपीज़ पर पर्सन है। हमने महाकालेश्वर रोड पे ही अपना रूम ले लिया और करीबन 10 बजे नहा के हम निकल गए दर्शन के लिए। दोस्तों, हमने दर्शन करने के लिए 250 रुपये का शीघ्र दर्शन ऑनलाइन बुकिंग करवा लिया था, पर इसका कोई मतलब नहीं बना क्योंकि ऑफ सीजन होने के कारण वैसे ही बहुत ही कम भीड़ भाड़ थी और हमारे दर्शन करीबन आधे घंटे के अंदर हो गए। लास्ट टाइम जब मेरा दोस्त यहाँ पे आया था दर्शन के लिए, तो उसे पहले दिन दर्शन नहीं मिले थे। लास्ट टाइम जब वो आया था तभी सावन का महीना चल रहा था, तो उसका दर्शन हो नहीं पाया था। तो इसीलिए हमने 2 दिन का यहाँ पे स्टे लिया है। अगर पहले दिन दर्शन नहीं हो पाए तो दूसरे दिन हम दर्शन ले सकते हैं, तो उस वजह से हमने 2 दिन का यहाँ पे स्टे लिया था। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल डेज है तो 1 दिन में दर्शन हो जाते हैं। हमारा प्लान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग करना और साथ में आस पड़ोस के जो भी मुख्य मंदिर है वो घूमना था, तो इसीलिए हमने 2 दिन का यहाँ पे स्टे लिया था। सामने भारत माता मंदिर है और यहाँ पे महाकाल लोक है। मैं अभी खड़ा हूँ भारत माता मंदिर के सामने। भारत में शायद ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ इस तरह का भारत माता मंदिर बनाया हुआ है। इतनी बड़ी प्रतिमा भारत माता की शायद ही भारत में और कहीं है। यहाँ पे सारे साधु सप्तऋषि हैं, उनके स्टैचू है और उनकी महिमा जो है यहाँ पे नीचे लिखी गई है। ये कुछ इस तरह से बनाया कि धूप के वक्त भी ये गर्म नहीं होता जाता। पुराणों के अनुसार जितने भी इंसिडेंट हैं, जितने भी स्टोरीज़ है महाकाल की, महादेव की, तो इन दीवारों पे बताने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ा कॉरिडोर है, ये बहुत बड़ी दीवार है। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आते हो तो करीबन आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अगर आप स्टोरीज़
पढ़ते हुए या वो समझते हुए आते तो उससे भी ज़्यादा आपको वक्त लग सकता है। यहाँ पे दीवारों पे नंबरिंग भी दिया है और उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये स्कैन करके भी आप नॉलेज आप ले सकते हो। मैं खड़ा हूँ अभी महाकाल लोक की सबसे बड़ी प्रतिमा के सामने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शंकर भगवान, ये त्रिपुरासुर के राक्षस है, उसका वध कर रहे हैं। शाम का वक्त यहाँ देखने लायक रहता है। यहाँ पे लाइटिंग्स जो है उसका अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा किया हुआ है। और जो ये स्टोन्स हैं, ये पिलर हैं, इनमें जब लाइट पड़ती है तो शाम के वक्त नज़ारा कुछ अलग ही रहता है, एकदम अच्छा रहता है। कल शाम को हमने यहाँ पे थोड़ा एक डेढ़ घंटा बिताया था, तो उसके फुटेज भी आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने कोशिश की है इस वीडियो में बताने की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचाने में मदद कीजिए और बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिए, जहाँ मैं कवर करने वाला हूँ उज्जैन के कुछ मुख्य मंदिर, जैसे कि काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनी मुनि आश्रम और बहुत सारे। तो बने रहे वीडियो पे और हमें सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।